हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हाल ही में एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिली है। मिस्टेक के कारण कई स्टूडेंट पास थे वो फेल हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊँगा कि किन किन स्टूडेंट के मार्क्स कम हुए। इस जो रिजल्ट आया है न्यू रिजल्ट, इसके अंदर फ्रेंड्स 2 से 3 मार्क्स कई स्टूडेंट्स के कम हो चुके हैं, जिनके कारण वो फेल हो चुके हैं। इसके अलावा कई के तो 4 से 5 मार्क्स कम हो गए और वो फेल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है आरआरबी मुंबई के एक स्टूडेंट का है। फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई वाले का है। उनका जो अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उनके 59 मार्क्स है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उनके जो है 59 मार्क्स है। और जो पहला रिजल्ट आया था 23 तारीख को, उसमें इनका मार्क्स थे 61 point something मार्क्स थे। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये अभी का रिजल्ट है और ये जो पहले रिजल्ट आया था उसमें इनके जो मार्क्स है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 61 मार्क्स थे। यानी इनके सीधे सीधे 2 मार्क्स की कमी कर दी गई है और ये 2 मार्क्स इनको साइको टेस्ट में नड़े गए। इसके अलावा एक और स्टूडेंट का बताता हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये भी आरआरबी मुंबई के स्टूडेंट का है। आरआरबी मुंबई स्टूडेंट का है। इनके जब पहली बार जब रिजल्ट आया था तो इनके मार्क्स थे 60 point something, और जो अभी रिजल्ट आया है उनमें इनके मार्क्स हो गए 58, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गए 58। इनके भी मार्क्स नहीं बढ़े। और ये फ्रेंड्स उस कैंडिडेट का है जिन्होंने 22 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दी थी, जिस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। एक तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ और ऊपर से मार्क्स भी कम कर दिए, तो इनको ज़रूर साइको टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उनमें ये मार्क्स जरूर इनको नड़ेंगे 2 मार्क्स। ऐसा ये 2 स्टूडेंट के साथ नहीं, हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुआ है। फ्रेंड्स, इनका बता देता हूँ, जैसे कि पहले रिजल्ट आया था तब इनके मार्क्स आप देख सकते हैं 60 point 13 745 थे, यानी 60 point 30 इनके मार्क्स थे। बट अब जो रिजल्ट आया उसमें 58 कर दिया गया, यानी सीधे सीधे 2 मार्क्स का इनको लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेलवे ने ग्रुप डी के रिजल्ट से कुछ नहीं सीखा, एलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट से कुछ नहीं कहा और अभी भी कुछ नहीं सीखा। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हर रिजल्ट में रेलवे गड़बड़ी गड़बड़ करता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ है तो आप ट्वीट करो रेलवे को, ताकि वो अपनी मिस्टेक को सुधारे, ताकि आपका साइको टेस्ट में 2 से 3 मार्क्स आपको मेरिट में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।